आपके इतने फैंस हैं, अनगिनत फैंस हैं, आर्टिस्ट को खास बनाता है उसका फैन। बिल्कुल। तो कोई ऐसा यादगार किस्सा किसी फैन के साथ? कुछ पन्ने जिंदगी के, पब्लिक अपीयरेंस में जाते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद है? लेकिन एक किस्से ने मुझे बहुत मूव किया, मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत जेन्युइन किस्सा है, मुझे बहुत रुला दिया इस किस्से ने। आई वाज विद माय डॉटर अनमोल रिसेंटली, बहुत से फैंस आए, बहुत लोग प्यार करते हैं, लोग बोलते हैं आई नेवर सी नो टू फोटोग्राफ्स। मुझे लगता है कि मैं अपना चेहरा चश्मे के पीछे, काले चश्मे के पीछे छुपाता नहीं हूँ, और मैं कभी भड़कता नहीं हूँ, मैं उनको गले मिलता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम देयर बिकॉज ऑफ दीज फैंस। हम लोग तरसते सारी जिंदगी काम करते हैं टू बिकम फेमस, कि लोग आपको पहचाने, और जब कोई पहचाने लगता है तो आप इस तरह एक्टिंग करते हैं कि डोंट कम नियर, मुझसे होता नहीं, तो लोग मुझे कहते हैं भाई ऐसे नो, मैं जो कुछ हूँ इज बिकॉज ऑफ माई फैंस, बिकॉज द पीपल हू लव मी। बट एक किस्से ने मुझे रुला दिया। वी वर एट अ ह्यूज फंक्शन, चारों तरफ लोग आ रहे थे एंड गले मिल रहे थे, कोई बोला था अनु जी दिस, एंड आप जानती हैं आपके हस्बैंड के साथ होता होगा व्हेन पीपल कम एंड टच हिज फीट एंड दिस एंड दैट, इमोशनल हो जाते हैं, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो सब आ रहे थे मेरे पास, कोई अपने बच्चों को लेके आ रहा है, मेरे गोद में रख रहा है, किसको ब्लेस कर दो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड आई सबसे मैं नमस्कार कर रहा था, फोटोग्राफ्स हो रहे थे। सडनली एक लड़का आता है मेरे पास, सर यू नो स्टार्टर्स फंक्शन में स्टार्टर्स लेके आते हैं, आप ये खाएंगे या वो खाएंगे, तो एक लड़का बार बार मेरे पास आ रहा है, आप ये खाएंगे, अब जवान सा लड़का, 22-23 साल का लड़का, हर बार आए सर अब ये खा लीजिए, सर अब ये खा लीजिए, और मैं अच्छा मैं ये लेता हूँ, फिर उसे रहा नहीं गया, वो धीरे से आगे बोलता है, मेरी बेटी अरमोनिया खड़ी है, कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या? सर मुझे पता लगा आज अन्नु मलिक जी इस पार्टी में आएंगे, तो मैं आज इसी दिन के लिए वेटर बन गया। एंड आई स्टार्टेड मुझे इतना, एंड माई डॉटर अनमोल हैड टीयर्स इन आईज, एंड शी हेल्ड माई हैंड टाइटली, माई डैडी शी सेड, एंड उस समय लड़के को देखा तो मैंने उसको ऐसे जरा अपना हाथ लिया और उसे कंधे पर हाथ रखा, एंड ही डिडंट नो वेयर टू लुक, तो वो अपने शूज को देख रहा था वो लड़का। दैट फैन बिकम्स माई अल्टीमेट फैन फॉर मी। उस वक्त ऐसी बात करना कि मुझे पता लगा सर आज अनु मलिक जी आ रहे हैं, तो मैं आज के लिए मैं वेटर बन गया, फॉर मी ये जुमला ही ऑड था, तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। उस वक्त इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड, कुछ अजीब सा, यू नो आर्टिस्ट आर्टिस्ट, उस वक्त मुझे कुछ खाया नहीं गया। आई वेंट एंड मेट द कपल, आई वेंट एंड मेट द पार्टी पे, लेट्स गो, यू नो व्हाट आई मीन, आई वाज थ्रू आउट थिंकिंग ऑफ दिस बॉय। सो दैट्स वन इंसिडेंट दैट स्टेज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जो वो आपके फैन थे, अगर कहीं पे भी वो आपको सुन रहे हो, तो मैं उसको इतना कहना चाहता हूँ कि आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, और मैं दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, आप वेटर बनना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी इज्जत की आप रोटी खाते हैं और आप अपनी मेहनत की रोटी कमाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, एंड आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नाइस। ऐसी ही दिलचस्प बातें बस कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।